स्पेस या अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है। कई स्पेस अभियानों के बाद भी हम अभी तक धरती के बाहर कहीं भी जीवन के निशान नहीं खोज पाए हैं। हालांकि कई बार हम दुनिया के किसी हिस्से में UFO देखे जाने के बारे में सुनते जरूर हैं, मगर अक्सर ये खबरें सच साबित नहीं होती हैं और कई हमेशा रहस्य ही बनी रह जाती हैं। अगर यूनिवर्स को अनंत मान लिया जाए तो हमने अभी तक एक बाल बराबर भी इसकी सतह को खरोचा नहीं है। इसी बीच नासा की एक वैज्ञानिक ने एलियंस और उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। 27 दिसंबर 1984 में मेट्रोराइट हंटर्स को अंटार्कटिका के हेलेंस हिल पर मार्टिन मेट्रोराइट का टुकड़ा मिला था। इस पर कई सारे इंस्टीट्यूट द्वारा अलग अलग रिसर्च किया गया, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। ऐसे में उन रिसर्चर्स को वहीं रुक जाना पड़ा, लेकिन सवाल ये था कि क्या उन्हें आगे और ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उन्हें रुकना था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हुए 1996 में द ग्रेट नासा के रिसर्च के डेविड मैके ने फिर एक बार मार्शल मेट्रोराइट के टुकड़े पर रिसर्च किया। ऐसे में उस दौरान उन्हें कई ऐसे सबूत मिले जिससे उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया। उनका कहना था कि उन्होंने उस टुकड़े में बैक्टीरिया पाया जो मार्स पर मौजूद पास्ट लाइफ को दर्शा रहे थे। ऐसे में अब इतना बड़ा सबूत मिल गया तो जाहिर सी बात है कि हर जगह इस बात का फैलना मुमकिन है जो US के प्रेसिडेंट ने किया, लेकिन ये सबूत बाकी इंस्टीट्यूट के लिए एक कंट्रोवर्सी ही बन गई थी। और तो और साइंटिस्ट कम्युनिटीज ने पक्के सबूत नहीं होने के कारण इस पर हाइपोथेसिस का टैग लगा दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये टैग रिजेक्शन स्पेस की दुनिया में ऐसे नए बैंड को जन्म देने वाली थी जिसे आज हम कहते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। हालांकि नासा इस विषय से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि वो लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था और इस तरह देखते ही देखते शुरू हो गए नासा में लाइफ खोजने के मिशन। ऐसे में आप जब कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई पीछे खींचने की कोशिश करता है, और ऐसा ही हुआ नासा के साथ। दरअसल उनके काम को चुराने के लिए कुछ हैकर्स आते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस रिसेंट पोस्ट किए गए आर्टिकल को ही देख लीजिए। दरअसल नासा डाटा ब्रीजिंग का शिकार हो गया था। नासा का करीब 12 साल का डाटा ऐसे ही सेफ मौजूद है। हालांकि एक तरफ नासा के रिसर्चर छोटे मोटे ऐसी चीजें बना रहे थे जिससे एलियंस के अस्तित्व का पता लगे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी था जो एलियंस को धरती पर बुलाने के लिए अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहा था, ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर। ये वो जनाब हैं जो लोगों को ये बताना चाहते थे कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर आग लगाने की सोची। हालांकि घबराने की बात नहीं है, इस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की ताकि अगर एलियंस हों तो वो ऊपर से लोगों को बचाने आए, उनकी मदद करने आए। अब इस फुद्दू से आइडिया से क्या एलियन लोगों को बचाने आ सकते हैं? आप ही हमें कमेंट करके बताइए। हमें तो लगता है कि वो इस फुद्दू से आइडिया से वो इन्हें ही पागल करार देंगे। आपको बता दें कि ये आग कोई नॉर्मल आग नहीं थी बल्कि एक न्यूट्रियल बम गिरने जितना आग इन्होंने सहारा रेगिस्तान में एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर लगाई थी। ऐसे में नासा ने भी इस सभी चीज को साइड में रखते हुए खुद एक एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और इसी दौरान नासा ने सेठी से हाथ मिलाया। दरअसल ये एक सब्जेक्ट था जिसे नैरो बैंड रेडियो सिग्नल द्वारा एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ का पता लगाने में ज्यादा सक्षम था। दरअसल ये सिग्नल हमारी पृथ्वी से हम अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं और नासा वालों का मानना है कि हम जैसे महान लोग हमारी पृथ्वी के बाहर भी मौजूद हैं। इन सभी के बाद लगातार नासा कई सारे मिशन के तहत एलियंस के अस्तित्व को ढूंढती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन एक बार फिर नासा ने हार न मानते हुए सेटी के साथ एलन टेलीस्कोप एरे प्लान किया। दरअसल इस मिशन के जरिए लाइफ कहाँ ढूंढनी है ये एक जरिया था, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुए इसने भी नासा को गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। जहाँ वो लाइफ ढूंढने गए थे वहाँ पर उन्हें 2000 से भी ज्यादा एक्सोप्लेनेट मिले। दरअसल इस मिशन के तहत 42 एंटीनास फिट किए गए थे जिसमें हर एंटीना को मल्टीपल बीम सिंथेसाइजर, एंटी को इंसिडेंस फिल्टर, हर एक एंटीना को 110.9 मेगाहर्ट्ज
एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे एंटीना लगाने के बाद, इतने सारे सिग्नल भेजने के बाद भी उन्हें स्पेस में कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के बारे में कुछ पता चले। इतना ही नहीं, उन्होंने डिफरेंट चेंजिंग करके भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगने की वजह से आगे चलकर नासा ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इस मिशन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जहां आप ध्यान से सभी बातों को समझेंगे तो पता लगेगा कि सेठी और नासा साथ आते हैं और दोनों मिलकर जो भी प्रोजेक्ट स्पेस में अस्तित्व ढूंढने के लिए कर रहे थे, वे सभी धीरे धीरे फेल होते चले गए, जहां उन्हें इन सभी मिशन से कोई भी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पर उन्हें इन सभी मिशन से एक सही राह मिलती है, जहां सभी मिशन के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपना अलग ही एक मिशन बनाया, जिसका नाम था केपलर मिशन। हालांकि नासा के इस मिशन ने इस बात का खुलासा किया कि गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा प्लेनेट मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नासा के इस मिशन में भी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ के बारे में कोई मिशन या कोई सबूत नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डाटा की मदद से वैज्ञानिकों की टीम ने एक बड़ी खोज की है। इन्हें 5 जुड़वा सितारों के सिस्टम के बारे में पता चला है। सबसे खास बात यह है कि इसमें हर किसी में एक ग्रह भी मौजूद है, जहां जीवन की संभावना दिखाई देती है। इलियोनिस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने केपलर के डेटा का इस्तेमाल कर एक नया तरीका इजाद किया है, जिससे ऐसे सिस्टम का पता चल सकेगा जिसमें 2 सितारे हैं और एक धरती जैसा ग्रह है, जहां जीवन की संभावना है। ये खोज स्टार वॉर फिल्म के एक सीन से काफी मिलती जुलती है, जिसमें ल्यूक स्काईवॉकर नाम का कैरेक्टर अपने अंकल के फॉर्म से 2 सूरज एक साथ देखता है। फिल्म का ये सीन कल्पना पर आधारित है, लेकिन इस रिसर्च से पता चलता है कि ऐसे 5 सिस्टम हैं जिन पर 2 सितारे हैं। यहाँ कितना मुमकिन है जीवन? अब एक सवाल ये उठता है कि भला क्यों यहाँ जीवन संभव हो सकता है? तो वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब दोनों सितारों के द्रव्यमान, उनकी चमक और सिस्टम के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन के आधार पर हासिल किया है। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि यहाँ पानी की कितनी संभावना है। 5 सिस्टम में से केपलर 38 एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक धरती जैसा सितारा है और एक छोटा सितारा है, जो धरती से 3970 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही एक नेपच्यून के आकार का ग्रह भी मिला है, जो बड़े सितारे का चक्कर लगा रहा है। इसके आधार पर भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ चट्टानी दुनिया है जो रहने के योग्य है। केपलर मिशन के तहत 9 सिस्टम की निगरानी की गई। वैज्ञानिकों ने इन सिस्टम के सितारों और ग्रहों के उन क्षेत्रों के असर का अध्ययन किया जो संभावित रूप से रहने लायक है। इनमें से एक सिस्टम का आकार नेपच्यून ग्रह के बराबर है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी के साइंस डिवीजन के रिसर्चर डॉक्टर निकोलस जॉर्ज काराकोस ने कहा, जो ग्रह सिस्टम के हैबिटेबल जोन रहने लायक क्षेत्रों में स्थित है, वहाँ भी जीवन की सबसे अधिक संभावना है। बिल्कुल धरती की तरह ही वैज्ञानिकों ने केपलर 34, 35, 38, 64 और 413 को चुना था। ये सभी वो जुड़वा सितारे वाले सिस्टम हैं जहां रहने लायक क्षेत्र की संभावना है। इसके साथ ही ग्रहों में सितारों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इनमें से केपलर 38 के धरती के जैसा होने की संभावना जताई गई है। इसके एक सितारे का द्रव्यमान यानी मास सूरज का 95% है, वहीं छोटे सितारे का द्रव्यमान सूरज का 25% है। वैज्ञानिकों ने अभी तक एक ग्रह को इसका चक्कर काटते हुए देखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके आसपास और भी ग्रह होंगे। केपलर 64 में 2 के बजाय 4 सूरज हैं। इस चट्टानी ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे नासा द्वारा लगातार स्पेस पर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ से जुड़े सबूतों को ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ न लगने पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।